वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुख्यमंत्री साहब, की तुसी सौं खा रखी है कि सिखां नूं दरबार साहब तो तोड़ना है, सिखां नूं गुरबाणी तो दूर करना है? कि सिखी नाल तुसी कोई अपना वैर कढ़ रहे हो? इह शंके निरामूल नहीं हन। तुहाडे ते पहला इल्जाम लगा है कि तुसी शराब पी के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच गए, अपने नाम दे नालों सिंह हटा लिया ते हुण सरकारी दफ्तरां तो ਤੇ ਕਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ SGPC ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ PTC ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੋਰ ਲੀਡਰ जथेदार साहब श्री अकाल तख्त साहिब ते भी उंगल चक्की है, जबकि SGPC ने PTC नूं सिर्फ उदो तक प्रसारण जारी रखने लिए कहा है जदों तक कि नवी व्यवस्था नहीं हो जाती। PTC पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रसारण जारी रखेगा, क्योंकि PTC दे उपकरण पहला ही उत्थे मौजूद हैं, ट्रेंड स्टाफ उत्थे काम कर रहा है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? CM ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ PTC ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ SGPC ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ कि तुसी गुरबाणी टेलीकास्ट केड़े प्राइवेट चैनल नु दे रहे हो? क्योंकि सरकार दा कोई अपना सरकारी चैनल तो है नहीं। जे DD पंजाबी है भी तो केंद्र सरकार दे अधीन आउंदा है, ते सरकारी चैनल होने दे नाते DD पंजाबी किसे धर्म विशेष लई प्रसारण नहीं करेगा। हुण तुसी दसो कि तुसी केड़े प्राइवेट चैनल नु इह गुरबाणी प्रसारण देना चाहते हो? बाकी बचते हैं प्राइवेट चैनल। एक केड़ा प्राइवेट चैनल है मुख्यमंत्री साहब जिस नाल पूरी गलबात हो चुकी है? क्योंकि जिस प्रकार तुसी किया है कि 24 घंटे गुरबाणी प्रसारण चलेगा, इस तो यही समझ आता है कि गलबात पूरी हो चुकी है। जे साधारण भाषा विच कहा जावे तो सौदा निबड़ चुका है। एक केड़ा प्राइवेट चैनल है मुख्यमंत्री साहब जेड़ा पूरी तैयारी करी बैठा है, किसने भरोसे करी बैठा है? पिंडा दे विच हले भी बजुर्गों कोल एंड्रॉयड फोन या आईफोन नहीं हन। जे है भी तो उन्होंने YouTube चलाना नहीं आता। उन्होंने घरां विच सवेर की शुरुआत ही गुरबाणी तो होंदी है। TV ते गुरबाणी चलती है, बच्चों का ध्यान धर्म वल मुड़ता है, घर दे विच एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। हाथ जोड़ के बेनती है CM साहब, इन्हां बजुर्गों तो गुरबाणी का आसरा ना खोवो। होर काम बहुत ने थोड़े करन वाले, थोड़ियां गरंटियां, थोड़े वादे, नशा, पंजाब सिर चढ़िया कर्जा ते पंजाबियां दियां थोड़े तो उम्मीदां। जे कुछ गलत कहा गया होवे तां खिमा, पर पंजाब दे विच गुरबाणी नाल इह वर्तारा वेख के हा दा नारा मारे बिना रहा नहीं गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुख्यमंत्री साहब, की तुसी सौं खा रखी है कि सिखां नूं दरबार साहब तो तोड़ना है, सिखां नूं गुरबाणी तो दूर करना है? कि सिखी नाल तुसी कोई अपना वैर कढ़ रहे हो? इह शंके निरामूल नहीं हन। तुहाडे ते पहला इल्जाम लगा है कि तुसी शराब पी के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच गए, अपने नाम दे नालों सिंह हटा लिया ते हुण सरकारी दफ्तरां तों ते कलंडरां तों गुरु साहिबानां दीआं ते खालसा राज दे संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह दीआं तस्वीरां हटाईआं। हुण तुसी गुरबाणी तों सिखां नूं तोड़ रहे हो। तुसी SGPC ते इल्जाम लाया है कि इह इक प्राइवेट चैनल PTC नूं गुरबाणी दा टैलीकास्ट जारी रखण लई कह रही है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੋਰ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ SGPC ਨੇ PTC ਨੂੰ
सिर्फ उदों तक प्रसारण जारी रखन लई कहा है जदों तक की नवी व्यवस्था नहीं हो जाती। पीटीसी पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रसारण जारी रखेगा क्योंकि पीटीसी के उपकरण पहला ही उत्थे मौजूद हैं और ट्रेंड स्टाफ उत्थे काम कर रहा है। यह गल थानू समझ क्यों नहीं आती या तुसी समझना नहीं चाहते? सीएम साहब की थोड़े उत्ते कोई प्रेशर है कि छेती तो छेती पीटीसी तो गुरबाणी का टैलीकास्ट खो के किसी होर चैनल नू दे दिता जावे, क्योंकि तुसी आप ही कहा है कि जे एसजीपीसी कहे तो तुसी 10 दिन दे विच गुरबाणी टैलीकास्ट का प्रबंध करा दोगे। तुसी ए दसन दी खेचल करोगे कि तुसी गुरबाणी टैलीकास्ट केड़े प्राइवेट चैनल नू दे रहे हो, क्योंकि सरकार का कोई अपना सरकारी चैनल तो है नहीं। जे डीडी पंजाबी है भी तो केंद्र सरकार दे अधीन आता है, ते सरकारी चैनल होने के नाते डीडी पंजाबी किसी धर्म विशेष लई प्रसारण नहीं करेगा। हुण तुसी दसो कि तुसी केड़े प्राइवेट चैनल नू एक गुरबाणी प्रसारण देना चाहते हो? बाकी बचते हैं प्राइवेट चैनल। एक केड़ा प्राइवेट चैनल है मुख्यमंत्री साहब जिस नाल पूरी गलबात हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार तुसी कहा है कि 24 घंटे गुरबाणी प्रसारण चलेगा, इस तो यही समझ आता है कि गलबात पूरी हो चुकी है। जे साधारण भाषा विच कहा जावे तो सौदा निबड़ चुका है। एक केड़ा प्राइवेट चैनल है मुख्यमंत्री साहब जेड़ा पूरी तैयारी करी बैठा है, किसने भरोसे करी बैठा है? पिंडा दे विच हले भी बजुर्गों कोल एंड्रॉयड फोन या आईफोन नहीं हैं। जे है भी तो उन्होंने यूट्यूब चलाना नहीं आता। उन्होंने घर सवेर की शुरुआत ही गुरबाणी तो होंगी है। टीवी ते गुरबाणी चलती है, बच्चों का ध्यान धर्म वल मुड़ता है, घर दे विच एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। हाथ जोड़ के बेनती है सीएम साहब, इन्हां बजुर्गों तो गुरबाणी का आसरा ना खोवो। होर काम बहुत ने थोड़े करन वाले, थोड़िया गरंटियां थोड़े वादे नशा पंजाब सिर चढ़िया करजा ते पंजाबियां दियां थोड़े तो उम्मीदां। जे कुछ गलत कहा गया होवे तां खिमा, पर पंजाब दे विच गुरबाणी नाल इह वरतारा वेख के हा दा नारा मारे बिना रहा नहीं गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुख्यमंत्री साहब की तुसी सौं खा रखी है कि सिखां नू दरबार साहब तो तोड़ना है, सिखां नू गुरबाणी तो दूर करना है? कि सिखी नाल तुसी कोई अपना वैर कढ रहे हो? यह शंके निरामूल नहीं हैं। थोड़े ते पहला इल्जाम लगा है कि तुसी शराब पी के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच गए, अपने नाम दे नालों सिंह हटा लिया, ते हुण सरकारी दफ्तरां तो ते कैलेंडरां तो गुरु साहिबाना दीआं ते खालसा राज दे संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह दीआं तस्वीरां हटाईआं। हुण तुसी गुरबाणी तो सिखां नूं तोड़ रहे हो।